हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉक्स टेल मिलेट की रेसिपी। ये रेसिपी वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आइए देखते हैं फॉक्स टेल मिलेट उपमा मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप मिलेट लिया है, फॉक्सटेल मिलेट। वैसे तो बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, और ये फॉक्सटेल मिलेट है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 1/4 कप मैंने लिया है इसलिए कि ये वह एक पर्सन के लिए ये ठीक है, एक आदमी के लिए मतलब ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं 10 मिनट तक पानी में सोख करके रखूँगी, उसके बाद मैं इसको पकाऊँगी। इस मिलेट को कुमकुम, कंगनी और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 कप पानी ले लिया है, इसमें हम मिलेट को कुक करेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा तेल या घी डाल के भी इसे कुक कर सकते हो ताकि ये खिला खिला बने। मैं स्किप कर रही हूँ तेल या घी को। तो जब तक वो कुक होता रहे मैं यहाँ पे वेजिटेबल काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बीन्स लिए हैं, इसको मैं काट लूँगी, और एक टमाटर और एक हरी मिर्च मैंने लिया है, और गाजर। इसमें आप चाहे आप अपने हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी ऐड कर सकते हैं और कैप्सिकम भी आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर न्यूट्रिशंस की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, कॉपर और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और इसमें फाइबर भी होता है, इसलिए ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप कोई भी मिलेट ले ले, उसमें फाइबर ज़रूर होता है, इसलिए वेट लॉस के लिए आप ऐसा नहीं है कि फॉक्सटेल मिलेट ही आपको लेना है, आपको बाज़ार में कोई भी मिलेट मिल जाए वो आप ले सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और एक बात इसकी एक और अच्छी बात है वो है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं सब्जियों को सारे काट ली हूँ। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या बताऊँ, जो मतलब जिसको ब्लड शुगर है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो भी इसे ले सकते हैं। तो सब्जी ये कट गए हैं और यहाँ पे मिलेट भी कुक्ड हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब दूसरा पैन लगा के बस अब हम इसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और चुटकी भर इसमें ज़ीरा ऐड करें। इसमें मैं प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्याज पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने प्याज को स्किप कर दिया है। तो आप चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीन्स को डालूँगी, और ये मटर, हरे मटर और टमाटर, गाजर और हरी मिर्च, सारे सब्जियों को मैं डाल दूँगी। अब इसको बस 5 मिनट तक इसे पकाना है ऐसे। मैं पानी बिल्कुल इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने पहले से टमाटर जो डाल दिया है इसमें, तो उसका जो पानी निकलता है उसी से ये सब्जी सारे जो है कुक्ड हो जाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। एक हमने दालचीनी स्टिक डाला है, ये 1 इंच के करीब होगा, 1 इंच से भी कम ही होगा शायद। तो ये सिनेमन स्टिक्स आप डालोगे तो ये इससे टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पर वेजिटेबल अच्छे से कुक्ड हो गए हैं।
अब हम इसमें डालेंगे कुक्ड किए हुए मिलेट। इसको डाल के 2 मिनट तक इसे चलाना है, बस हो गया तैयार। आप इसे लंच में खाइए चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, ये बहुत ही अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है, मैंने पहले भी कहा था। तो ये बिल्कुल रेडी है मिलेट, अब हम इसे प्लेट आउट कर लेंगे। तो इसको आप जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। एक आदमी के लिए ये मिलेट बिल्कुल परफेक्ट है, एक प्याली भर के ये हो गया। तो इसके ऊपर से आप टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून घी ऐड कर सकते हैं। घी इसमें ऐड करने से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है और घी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सैचुरेटेड फैट होता है इसमें, तो ये भी खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं यहीं से ये वीडियो एंड करती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।